तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे पॉइंट नंबर वन हाइट या ऑल्टीट्यूड। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर 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 जाना स्टार्ट करें तो सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी बढ़ती जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा फैक्टर डेप्थ, अगर आप टनल डिग कर ले, मिट्टी खोदते जाएं और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाते जाएं, कई कई किलोमीटर नीचे चले गए तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटर से कम होता जाएगा तो स्मॉल जी चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होगा वो डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है, आप अर्थ की किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं। आप लोग, आपको लैटिट्यूड वर्ड पहले भी सुना हुआ पर ये अलग चीज है। लैटिट्यूड का मतलब है अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, आप इक्वेटर पे खड़े हैं, आप पोल्स पे खड़े हैं, आप अमेरिका में, आप इंडिया में, कहाँ पर खड़े हैं, आपकी स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको कैसे कैसे, मैं अमेरिका जाऊंगा तो जी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत छोटी वैल्यू में चेंज होगा, वो भी लोग 9.8 के साथ ही सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड है, पर अफेक्टिवली वो चेंज होता है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होता है, पर हम इतनी छोटी वेरिएशन को कंसिडर नहीं करते, वो हमारी अलग बात है, पर हम इस पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ में क्या प्रॉब्लम है कि हमें सिखाया जाता है कि अर्थ तो गोल है, स्फेयर है, नहीं अर्थ बिल्कुल भी स्फेयर नहीं है, ऐसे को इसका रेडियस ज्यादा है और पोल से रेडियस कम है, यहाँ से हाइट कम है, यहाँ से ज्यादा है, तो इस शेप की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। ये चार फैक्टर आज हमने स्टडी करने हैं और इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इतना ही है वेरिएशन ऑफ अर्थ।